तो दोस्तों फाइनली मोटरोला अपने खोई हुई इज्जत को पाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही है पिछले 2 सालों से। और 2 सालों की अगर हम रिकॉर्ड देखें तो मोटरोला ने काफ़ी अच्छे अच्छे स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च किए हैं। अगर हम बात करें सबसे पहला और सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन की, तो मोटरोला की तरफ से ही हमें मोटरोला G5G स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में सबसे पहले हमें देखने को मिला था। उसके अलावा अगर हम बात करें स्नैपड्रैगन 720G या फिर वो 108 मेगापिक्सल्स के कैमरे के साथ इंडिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, तो वो भी हमें मोटोरोला की तरफ से ही इंडियन मार्केट में देखने को मिलता है। बट यहाँ पर एक जो चीज़ है ना, वो मोटोरोला के फैंस को हमेशा खटकती है कि इंडिया के अंदर अभी तक मोटोरोला की तरफ से हमें ऐसा कोई स्मार्टफोन देखने को नहीं मिला है जिसमें कि हमें 5G भी देखने को मिले और सुपर एमोलेड डिस्प्ले का भी सपोर्ट देखने को मिल जाए। और इस चीज को लेकर मोटरोला के फैंस जो है वो हमेशा से ही इस तरह के मिजाज में रहते थे और इंतजार करते रहते थे कि भाई ऐसा कब वो दिन आएगा जब मोटरोला की तरफ से हमें एक ऐसा स्मार्टफोन देखने को मिलेगा जिसमें कि हमें 5G की कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाए, उसके अलावा सुपर एमोलेड डिस्प्ले का सपोर्ट भी देखने को मिल जाए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसकी प्राइसिंग 20,000 रुपीज़ के अंदर हो, क्योंकि 20,000 रुपीज़ के बाहर का जो बजट है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। तो फाइनली यहाँ पर मोटरोला के यूजर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। मोटरोला का एक नया स्मार्टफोन 10 जनवरी को इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है और ये मोटरोला G71 स्मार्टफोन होगा जिसके अंदर आपको 5G की कनेक्टिविटी देखने को मिलने वाली है। और इंडिया का यह पहला स्मार्टफोन होगा जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695G के पावरफुल चिपसेट के साथ इंडिया के अंदर आने वाला है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस डिवाइस की जो प्राइसिंग है वो लीक हुई है कि 18,999 रुपीज़ में इस डिवाइस को इंडिया के अंदर लॉन्च किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले इस स्मार्टफोन के कन्फर्म स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी अमेजिंग लगने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने छोटे भाई को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस डिवाइस के परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि मेन की फैक्टर होने वाला है इस डिवाइस का। तो इस डिवाइस के अंदर आपको क्वालकॉम का सबसे लेटेस्ट और 600 सीरीज़ का लास्ट चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का चिपसेट होने वाला है। साथ ही में अगर हम बात करें स्टोरेज की, तो यहाँ पर आपको 8GB रैम 128GB तक का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप वर्चुअली 3GB एक्स्ट्रा रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी कि आप अपने इस डिवाइस के अंदर 11GB की रैम कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस को लेकर यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। उसके अलावा अगर हम बात करें इस डिवाइस की बैटरी की, तो यहाँ भी आपको काफ़ी अच्छी बैटरी देखने को मिल जाती है। इस डिवाइस के अंदर हमें 5000 mAh की एक पावरफुल बैटरी देखने को मिलती है और फास्ट चार्जिंग के लिए इस डिवाइस के अंदर हमें 30W के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। रही बात इस डिवाइस की डिज़ाइन की, डिज़ाइन कैसा होने वाला है, तो इस डिवाइस का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ग्लॉसी है, तो यहाँ पर आपको डिज़ाइन को लेकर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बैक साइड में आपको ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप भी देखने को मिलेगा जो कि 50 मेगापिक्सल्स के कैमरे के साथ आने वाला है। बट यहाँ पर जो मेन कंसर्न है वो इसके फिंगरप्रिंट सेंसर को लेकर आपको हो सकती है। 2021 के ट्रेंड के अकॉर्डिंग ना ही आपको यहाँ पर साइड रियर माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलेगा और ना ही इसमें आपको 2022 के ट्रेंड के अकॉर्डिंग इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। इस डिवाइस में आपको रियर माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलेगा जो कि हमें 80 के दशक में देखने को मिलते थे। अरे यार मैं मजाक कर रहा हूँ। इस डिवाइस के अंदर जो है वो आपको 2016 या फिर 17 के ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो फिंगरप्रिंट सेंसर हमें देखने को मिलते थे वही इस डिवाइस के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका प्रेफरेंस हो सकता है कि आपको ये डिवाइस इस वजह से अच्छा लगने वाला है या फिर नहीं लगने वाला है। अगर इससे कोई दिक्कत नहीं होती तो बाकी स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छी है। अब बात करते हैं इस डिवाइस के फ्रंट साइड के बारे में, तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को मिलती है, वो है सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि 6.4 इंचेस के बड़ी स्क्रीन के साथ आने वाला है। उसके अलावा आपको सेल्फी के लिए एक सेंटर पंच होल भी देखने को मिलने वाला है जो कि 13 मेगापिक्सल्स के सेल्फी शूटर के साथ देखने को मिलेगा। एडिशनल फीचर्स की कुछ अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको डुअल 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, NFC का सपोर्ट चाइनीज वेरिएंट में हमें देखने को मिला था, इंडियन वेरिएंट में मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट आपको 3.5mm ऑडियो जैक का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको इस डिवाइस जो है वो IP52 की रेटिंग के साथ देखने को मिलने वाला है। और फाइनली कंक्लूजन यह निकलता है कि क्या इस डिवाइस को हमें परचेस करना चाहिए।
तो डेफिनेटली इस डिवाइस का जो फिंगरप्रिंट सेंसर है उसी को लेकर यहाँ पर मेन कंसर्न हो सकता है। अदरवाइज 20,000 रुपीस के अंडर की प्राइसिंग पे ये डिवाइस काफ़ी अच्छा स्पेसिफिकेशन ऑफर करता है। हाँ, अगर हम बात करें इसके हायर रिफ्रेश रेट की तो यहाँ पर आपको हायर रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आपको एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसमें कि हायर रिफ्रेश रेट हमें देखने को मिले तो उसके लिए आप जो है वो रेडमी के नोट 10 सीरीज को प्रेफर कर सकते हैं, जिसमें कि हमें एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिलता है। प्राइसिंग मैंने ऑलरेडी बता रखी है कि इस डिवाइस की स्टार्टिंग प्राइस आपको इंडिया के अंदर 19,000 रुपीस के अप्रॉक्स देखने को मिल जाएगा। और अगर हम बात करें इस डिवाइस की लॉन्च डेट की तो 10 जनवरी को इंडिया के अंदर इस डिवाइस को लॉन्च किया जाने वाला है। तो क्या आप इस डिवाइस को लेना पसंद करेंगे, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। सो फाइनली आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अमेजिंग लगने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने इस छोटे भाई को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइल, स्टे सेफ एंड हैव अ लवली डे।